और गाइस, दिस इज द 7K मास्टर स्टूडियो में मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत की खुद की गेम राजी द एंशिएंट एपिक के बारे में। एंड ये गेम अभी PC, PS4 एंड Xbox पर लॉन्च नहीं हुई, अभी सिर्फ निंटेंडो स्विच पे ही रिलीज़ हुई है। एंड इस गेम के रिलीज़ होने के बाद मैं इस गेम का रिव्यू बनाऊंगा, बट आज मैं बात कर रहा हूँ राजी की डेवलपमेंट डिफ़िकल्टीज़, ग्लोबल मार्केट ने गेम को कैसे रिसीव किया, गेम किस बारे में है एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट दिस गेम। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडियो जिन्होंने ये गेम बनाया, इट्स नॉडिंग हेड्स गेम्स। ये नाम होपफुली हमें दोबारा किसी गेम में सुनने को मिले। सो अभी ये इंडी स्टूडियो फाउंडेड है बाय 3 मेंबर्स, श्रुति घोष, अविचल सिंह एंड इयन मॉड। सो एक अंग्रेज है फाउंडर एंड ये पुणे बेस्ड स्टूडियो है। एंड गेम में आई एम नॉट श्योर, कॉन्क्रीट इन्फो नहीं मिला, बट शायद 8 बंदों की टीम ने काम किया है। एंड इस स्टूडियो के तीनों को फाउंडर्स ने पहले बड़े स्टूडियोज लाइक रॉकस्टार गेम्स, यूबीसॉफ्ट, EA, सोनी, द चाइनीज रूम, द स्टेनलेस, इनमें काम किया है। एंड 2017 में इन्होंने नॉडिंग हेड स्टूडियोज बनाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द गेम। सो 2017 में स्टूडियो बनाने के बाद अब टाइम है गेम के लिए फंडिंग ढूंढने का। सो इंडिया से पैसे ना मांगते हुए दे स्टार्टेड अ किकस्टार्टर कैंपेन, बट जितनी फंडिंग चाहिए थी उतनी नहीं मिली। सो ये जज्बा रखते हुए कि इंडियन गेम होनी चाहिए जो ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो, सभी फाउंडर्स ने अपनी सेविंग लगा दी इस गेम में। एस आपको पता ही है गेम डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है। सो अब सेविंग्स तो लगा दी, बट अब ज़रूरत थी पब्लिशर की। एंड यहाँ अगर आप पूछ रहे हैं कि गेम पब्लिशर क्या होता है, सो पब्लिशर बेसिकली आपकी गेम की मार्केटिंग करता है अपना पैसा लगाकर, बदले में वो गेम के प्रॉफिट में से हिस्सा ले लेता है। सो अगर नॉडिंग हेड गेम्स के पास इतना पैसा होता कि वो खुद बड़े स्केल पर मार्केटिंग कर सकते, गेम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च कर सकते, तो उनको कोई पब्लिशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी मनी डेवलपमेंट में लगा दी मार्केटिंग के लिए, दे स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड पब्लिशर। सो 2017 में स्टूडियो बना था एंड 2018 तक भी राजी को एक अच्छा पब्लिशर नहीं मिल रहा था, बट एंड में Super.com, एक UK बेस्ड इंडी गेम पब्लिशर, उसने राजी को पब्लिश करने के लिए हाँ कहा। एंड 2018 से लेकर 19 तक गेम की डेवलपमेंट फुल स्पीड से आगे हुई। एंड यहाँ बिकॉज टीम काफ़ी छोटी है, सो गेम के डेवलपमेंट में इतना टाइम लग गया। एंड गेम की प्री पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होते होते जुलाई 2020 आ चुकी थी। एंड स्टूडियो अभी भी इस गेम को पॉलिश कर रहा है, बग फिक्सेस, डे वन पैचेस एक्सेट्रा। सो नाउ आते हैं गेम पे। सो गेम यूजेस अनरियल इंजन 4, जो कि एक इंस्टेंट प्लस पॉइंट है कम्पेयर टू यूनिटी, एज U4 इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है फॉर ऑप्टिमाइजेशन। एंड यहाँ गेम की स्टोरी इंस्पायर्ड है फ्रॉम हिंदू हिस्ट्री, जहाँ गेम में राक्षस वर्सेस ह्यूमंस की स्टोरी बता रहे हैं, जहाँ दानव अपने सेकेंड अर्थ इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। पिछली बार भगवान शिवा ने सबको हरा दिया था, बट इस बार भगवान राजी को अपनी पावर देते हैं ताकि राजी डीमन लीडर महाबलासुरा को हरा सके। एंड राजी हम इंडियन ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी ऑन पेपर, बिकॉज गेम में प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसी प्लेटफॉर्मिंग है एंड देर इज ब्यूटीफुल लुकिंग कॉम्बैट एंड पजल्स। सो गेम बेसिकली एक इंडी एक्शन एडवेंचर पजल गेम है। एंड गेम के कटसीन राजस्थान के कठपुतली शोज जैसे बनाए हैं। एंड ये पपिट जैसे कटसीन्स गेम की डेवलपमेंट कॉस्ट को डाउन रखते हुए गेम को एक यूनिक फील देते हैं। एंड गेम में डिफरेंट वेपन्स भी हैं, जैसे शिवजी का त्रिशूल एसेट्रा। एंड कॉम्बैट का अपना स्किल ट्री है जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। गेम में हिंदू गॉड्स लाइक देवी दुर्गा, भगवान विष्णु राजी के एक्शन पर अपनी कमेंट्री देते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है। एंड गेम की कॉम्बैट इतनी एडवांस तो नहीं है, बट जो मैंने डेमो में खेला उसके हिसाब से इट्स डिसेंट। बट अभी गेम रिलीज होने के बाद मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, सो वेट फॉर द फुल रिव्यू। नाउ ये गेम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बट ये ग्लोबली लॉन्च हो रही है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये निंटेंडो स्विच पर लॉन्च हो चुकी है। एंड एज यू गाइस नो, हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सोने की खदान है जिसे अभी तक टच भी नहीं किया। सो सिंस ये गेम हिंदू हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो गेम ऑलरेडी लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, एज बहुत गेमर्स अब ग्रीक, नॉर्डिक, इजिप्शियन एंड जैपनीज माइथोलॉजी खेल चुके हैं। हमें और गेम्स चाहिए बेस्ड ऑन द ओनली स्टिल एग्जिस्टिंग माइथोलॉजी, हिंदू मिथ्स। सो इसी वर्ड को फिल करने के लिए राजी इंडिया से पहली इंडी गेम बनती है जो हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। सो दैट फैक्टर इस गेम को ग्लोबल वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रखता है। नाउ द बिग थिंग, क्या ये गेम में इंडियन लैंग्वेजेस हैं? सो अभी के लिए इसका आंसर नहीं है, एस इंडिया में PC/कंसोल गेमिंग मार्केट है ही नहीं जहां से ये लोग प्रॉफिट कमा सकें। एंड अगर आप कहते हैं कि नहीं इंडिया में गेमिंग मार्केट है, तो प्रूव करो, ये गेम को बाय करो, गेम को कंप्लीट करो। एंड अगर इस गेम का मेजॉरिटी प्रॉफिट इंडिया से आता है, देन आई प्रॉमिस नेक्स्ट राजी गेम में आपको सारी इंडियन लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। बट अभी उनका इतना बजट नहीं है कि वो सभी इंडियन लैंग्वेजेस को ऐड कर सकें, एंड हमारे भारत में एक नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, सो गेम डेव्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट में इंग्लिश ही उनकी लास्ट ऑप्शन बचती है। एंड एक सजेशन जो मैंने एंड काफ़ी लोगों ने रेडिट पर इन डेव्स को दिया था कि आप संस्कृत ऐड कर दो, एज गॉड स्पीक संस्कृत,
एंड हम इंग्लिश सबटाइटल से देख लेंगे क्या चल रहा है, बट वो भी मुश्किल है। नाउ गेम की पीसी रिलीज डेट है 15 अक्टूबर एंड गेम PS4 एंड Xbox पे भी अवेलेबल है एंड गेम का प्राइस होगा कुछ 600 के करीब। आई एम नॉट श्योर, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है एंड मैं अपने रिव्यू में सब चीज़ें एनालाइज करके बता दूंगा जितने भी मनी पे ये गेम रिलीज होगी क्या वो वर्थ इट है कि नहीं। नाउ कमिंग टू ग्लोबल रिव्यूज ऑफ द स्विच वर्जन, तो ग्लोबल कम्युनिटी ने गेम को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एंड नाउ इट्स आवर टर्न कि हम एग्जाम्पल सेट करें और इंडी गेम्स के लिए जो इंडिया में भी बन रही हैं जब बनेंगी। सो दैट्स इट, गेम का स्टीम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू चेक इट आउट। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू।